गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जितने भी बच्चे टेस्ट सीरीज में भाग ले रहे हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप टेस्ट सीरीज में भाग ले करके अपना कैपेसिटी दिखा रहे हैं कि मेरा क्या क्षमता है। तो हम टेस्ट सीरीज का बात करते हैं। इस टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं बना या फिर जिस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में अधिक से अधिक टाइम लग रहा है, तो आइए हम उस सारे क्वेश्चन को आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कैसे आपको एक मिनट के अंदर में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम आपको तरीका बताएंगे और कोशिश करेंगे कि मैं आप लोगों को हर टेस्ट सीरीज का वीडियो उपलब्ध कराएं और आप लोग जितने हो सके अपने ग्रुप में एडमिन शायद जो भी हैं वो सभी मिलकर के अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़े, जिससे कि सभी स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने में भी अच्छा लगेगा। जब अधिक से अधिक ऑनलाइन रहेगा और फिर अधिक स्टूडेंट भाग देंगे तो फिर उसमें और हमको दिखाने का मौका मिलेगा क्या मेरा औकात है, मतलब कैपेसिटी है जो हम टेस्ट दे रहे हैं। तो आप लोग अपना औकात कैपेसिटी दिखाने के लिए अपने साथी में, अपने ग्रुप में, फेसबुक पे जहाँ पे भी हो आप अधिक से अधिक शेयर करके स्टूडेंट जो है। आइए हम बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन हम आप लोग के बीच लाए थे कि बिल्कुल नया है और उस नए क्वेश्चन से हम आपको परिचित करवाएं कि वो क्या चीज़ था, कैसे उसको सॉल्व करना है और वो देखते के साथ सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक देखिए आपको क्या दिया। ये दिया है कि फैक्टोरियल 100, हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 100 या फैक्टोरियल इसको भी दोनों रूप में बोल सकते हैं। इसको फैक्टोरियल के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या है? अब आप बोलिएगा सर फैक्टोरियल क्या? तो फैक्टोरियल फैक्टर से बना है, गुणनफल से बना। जैसे हम बोले 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल मतलब इसका क्या, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो लास्ट टर्म तक हम लोग गुना कर देंगे। अगर n फैक्टोरियल है तो n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, इसी तरह से हम लोग क्या करते चले जाएंगे, घटते जाते हैं। जैसे 5, 4, 3, 2, 1, तो n n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, इसी तरह से हम लोग क्या करते चले जाएंगे, घटते हुए चले जाएंगे कहाँ तक, गुना 1 तक, जहाँ तक भी हो सके, जहाँ आपका मन दिया रहेगा वहाँ तक हम लोग गुना कर सकते। अब फैक्टोरियल अच्छी तरह से समझ गए कि बात क्या था फैक्टोरियल का। जैसे फैक्टोरियल 6 बोला जाएगा तो 6 बोला जाएगा फैक्टोरियल कितना है, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो आप फैक्टोरियल तोड़ने के लिए सीख गए। 100 तक का है तो फैक्टोरियल 100 को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 गुना कितना 100 तक। तो फैक्टोरियल क्या है, एक गुणनखंड है, आप अच्छी तरह से समझ गए फैक्टोरियल। अब हम पूछ रहे हैं कि बताइए कि फैक्टोरियल 100 के गुणनफल यानी सारे चीज़ को गुणा करेंगे तो अंतिम में कितना जीरो आएगा, लास्ट से अगर गिनेंगे तो कितना जीरो आएगा, नंबर ऑफ जीरो ना, जीरो की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन ऐसी दो संख्या उठाएंगे जो हमको जीरो देने वाला है। तो देखिए 1, 2 और 1, 5 गुणा कीजिए तो देखिए तो 10 देखिए। अगर 5 के अलावा यहाँ कुछ भी नंबर देंगे तो कभी जीरो नहीं देगा, आएगा जीरो नहीं आएगा। या फिर यहाँ हम 5 ही रखें और यहाँ कोई सम संख्या नहीं लें, विषम संख्या ही लेते रहेंगे तो पर भी आपको जीरो नहीं आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, एक सम और एक विषम का जब गुणा करते हैं, सम मतलब क्या होना चाहिए, उसमें दो कॉमन दो रहना चाहिए और सम संख्या हम लोग जानते हैं ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, तो दो तो रहना अनिवार्य है और विषम संख्या कौन, 5। क्यों 5, जब 5 और 2 सम में आपका 2 और विषम में आपका 5, जब ये दोनों संख्या का मल्टीपल होगा गुना होगा तो आपको जीरो आएगा। लास्ट में कितना भी
जीरो आए, लेकिन ये दोनों संख्या गुणनफल होने के बाद क्या देती है, जीरो देती है। तो आप देखिए, तो इनमें से हमको बताना है कि कितने जीरो होगा अगर गुणा करेंगे। देखिए, 100 में दो जीरो, 10 में दो जीरो, 20 में एक जीरो, 10 में एक जीरो, 20 में एक जीरो, 30 जीरो। और हम लोग जानते हैं जब हम गुणा करते हैं तो जीरो क्या आते जाता है, जुटते जाता है। 10 गुना 10 यानी कितना, 20, मतलब कितना, 100। कितना जीरो, दो को जीरो। फिर अगर हम एक जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो की संख्या क्या आते जाता है, जुटते हुए चला जाएगा। तो आपको बताना है कि फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो होगा सारे को गुणा करने के बाद। तो आपको नंबर्स ऑफ जीरो बताने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं क्या करना है। तो देखिए, नंबर्स ऑफ जीरो, तो इसको गुणनखंड करेंगे तो 100 होगा। तो अब देखिए, तो एक मिनट और देखिए, जैसे 4 × 5 कितना हो गया, 20 हुआ। तो कितना जीरो है, एक जीरो। अब इसको तोड़िए तो 2 × 5 = 1, मतलब ये कितना हो गया, 20 हो गया। तो देखिए, 2 और 5 में किसकी संख्या कम है, 2 और 5 में किसकी संख्या कम है, तो ऑटोमेटिक है कि 5 की संख्या 1 है, 2 की संख्या 2 है। तो जिसकी संख्या कम होगी उतना ही जीरो आएगा, उसी के संख्या के बराबर जीरो आएगा। जैसे देखिए, अब जैसे चलिए 2 × 5 = 2, ये हो गया 4 × 25 कितना हो गया, 100। अब दोनों की संख्या बराबर है, दोनों की संख्या बराबर हो गया, इसलिए इसमें जीरो की संख्या कितनी है, जितना 2 की संख्या या 5 की संख्या है। अगर हम इसको मान लीजिए 8 ले लेते, मान लीजिए इसको रहने देते, अगर हम इधर रहने दें कि 2 × 3 × 5 = 2 कितना आएगा, 2 ही जीरो आएगा, क्योंकि ये 8 × 25 कितना आ जाएगा, 200 होगा। और लास्ट में देखिए तो कितना जीरो, 2 जीरो। तो हम क्या देखेंगे कि जिसकी संख्या कम होगी 2 और 5 में से, उसकी संख्या के बराबर आपको जीरो की संख्या होगी। बस समझ गए। अब आप एज्यूम डेट, मतलब सोचिए कि अनुमान लगाइए कि 1 से लेकर 100 तक में किसकी संख्या कम होगी। तो 5 की संख्या कम होगी, हो गई। देखिए, 2 को 2 में भी है, 4 में 6 में भी, 8 में 1, 10 में भी है, लेकिन 5, 1 5 में आएगा, 1 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा, 25 में 2 5 आ जाएगा। तो अगर हम एक नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए, हाँ जीरो निकालने के लिए, इसके लास्ट टर्म में जो जितनी भी संख्या दिया हुआ, 100, 120, 130 कुछ भी दिया जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, एक बार पहले 5 से भाग देंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर भाग कर कितना आएगा, 20 आएगा, और 20 को भी 5 से भाग दे देंगे, नंबर ऑफ जीरो आपका निकल आ जाएगा। इसको भाग देंगे तो 20, और इसको भाग देंगे तो 4, और टोटल कितना हो गया, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 24। क्लियर हुआ बात। देखिए, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए, शून्यों की संख्या निकालने के लिए अंतिम से हम लोग क्या करेंगे, लास्ट, तो लास्ट संख्या आपका 100, 100 को 5 से भाग देंगे, ठीक। तो फिर भाग देने के बाद कितना आएगा, 20। अब 20 को फिर लग ले 5 से भाग दे देना, और कितना आ जाएगा, 20 प्लस, तो इसको भाग देंगे तो 20, इसको भाग दे कितना, 4, और दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 24। तो नंबर जीरो की संख्या कितनी हो गई, 24। तो ये अभी आप लोग को बनाने के लिए बता रहे, अगर इसकी आप क्लास अटेंड कीजिएगा तो फिर वहाँ आप अच्छी तरह से 2, 4, 5, 10 एग्जाम्पल लेकर के हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। उम्मीद है कि अभी आपको भी यहाँ पर समझाएंगे तो आप समझ गए, तो आप तेजी से इसको लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन लिए फैक्टोरियल 120, जो भी फैक्टोरियल है, ये भी फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा, इकाई हम समझते हैं, जैसे ये 121 है, इसका ये इकाई अंक, ये दहाई अंक और ये सैकड़ा। तो आप, हम आपको दहाई अंक तक सिखाएं एग्जाम, ये क्लास में, जब क्लास में हम नंबर सिस्टम बता रहे थे उस समय हम आपको दहाई अंक भी निकालने के लिए सिखाए। इसका दहाई अंक देखिए कैसे निकलेगा, तो इसका दहाई अंक, ये इकाई अंक अगर निकालना चाहते हैं, देखिए फैक्टोरियल 120 का मतलब हो गया क्या, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 … कितना, 120। अब कुछ रहा इसका इकाई। अब देखिए, आप जानते हैं किसी भी संख्या को यदि हम जीरो से गुणा करें
यदि हम जीरो से गुना करते हैं तो उस संख्या क्या रिजल्ट देती है, जीरो ना। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे इसमें कौन की एंट्री हो गई, इसका मतलब क्या, इस सारे संख्या का यहाँ तक देखिए, हाँ ये हो गया दो और तीन छः चौबीस चार पाँच छः बीस, इसका जीरो लीजिएगा तो बीस का जीरो बीस गुना फिर जीरो गुना छः, तो सबका गुना करते जाएंगे जीरो से तो सबका मान कितना होते चला जाएगा, जीरो होते चला जाएगा। इसलिए इसका इकाई अंक क्या हो गया, इसका भी इकाई अंक आया, इकाई अंक जो आया इकाई अंक कितना हो गया, जीरो हो गया। बात समझ गए, क्योंकि अभी हम देखें नंबर जीरो की संख्या कैसे आती है दो और पाँच को गुना करने के बाद, तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ दो है और यहाँ पाँच है ही, जब गुना होगा तो अंत में क्या आएगा, जीरो आएगा। आप गुना करके भी देख सकते हैं, तो आप समझ गए हमें। तीसरी संख्या का कितना गुना इतना गुना इतना गुना इतना का इकाई अंक कितना, आप डायरेक्ट सबका दो अंक काट दीजिए, जितना भी दिया है दो अंक काट दीजिए, एक एक उठाइए, सात गुना पाँच पैंतीस, पैंतीस आया पाँच काट तीन काट दीजिए, बचा कितना पाँच, पाँच गुना एक तो इसका भी आ गया पाँच, और पाँच गुना तीन कितना हो गया, पाँच गुना तीन, क्वेश्चन नंबर तीन का बता रहे। तो देखिए यहाँ सबका काट दे तो हाँ यहाँ कितना, सात गुना पाँच गुना एक गुना तीन, तो ये देखिए सात पचे पैंतीस, पैंतीस से तीन हटाइए फिर पाँच गुना एक, ये दोनों ये हो गया पाँच, और फिर पाँच दिया कितना गुना कीजिए करेंगे ये हो जाएगा पंद्रह, इसका इकाई अंक कितना हो गया, पाँच हो गया। तो इस तरह से हम लोग गुना करते चले जाएंगे, और वह सर ये देखिए अब हम कुछ देंगे इसे एक गुना तीन गुना पाँच गुना सात गुना नौ गुना ग्यारह गुना कुछ भी, अगर विषम संख्या देते रहेंगे तो इसमें इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, पाँच आएगा। अगर हम सम संख्या घुसा देंगे मतलब दो चार छः आठ या फिर कोई प्राकृतिक संख्या का गुणनफल पूछ देंगे तो उसका इकाई अंक क्या जाएगा, जीरो आएगा। प्राकृतिक संख्या का अगर हम गुणनफल पूछ देंगे एक सौ तक का इकाई अंक क्या होगा, आप क्या बताएंगे, जीरो होगा। तो आप लोग को बोलेंगे यही बात कि आप मेरे हर वीडियो को लास्ट तक देखिए, जितना भी हम टेस्ट सीरीज बता रहे आप लास्ट तक देखिए, आगे का जो भी टेस्ट होगा इसमें जरूर है कि आपसे पांच क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको आगे टेस्ट सीरीज जो होगा अगला टेस्ट सीरीज होगा उसमें हम इस टाइप से आज जो बताएं इसका अलग सवाल हम डालेंगे, लेकिन टाइप यही रहेगा, टाइप यही रहेगा और वहाँ पर सिर्फ सवाल को चेंज कर देंगे, तो आपसे ऑटोमेटिक है कि वो पाँच नंबर आना ही आना है। आप इसलिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, हम कहीं ना कहीं उस सवाल को आपको बता देंगे जो कि अगले टेस्ट सीरीज में आपको आने वाला होगा। हो बहुत तो हमने बोले ये सवाल आएगा, लेकिन टाइपिंग करते समय आ भी सकता है, लेकिन ये कंफर्म रहिए कि उससे रिलेटेड टाइप, उससे रिलेटेड टाइप आपको जरूर मिलेगा, जरूर आपको मिलेगा और मन लगेगा बनाने में। इसलिए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें और सारे वीडियो को देखें, जितना भी हमने इस चीज का वीडियो बनाएंगे उस सारे वीडियो को देखना। आइए हम क्वेश्चन नंबर फोर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है कि घंटे और मिनट वाली सुई एक दिन में कुल कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती है, विपरीत होती है। क्वेश्चन नंबर फोर, विपरीत होने का मतलब वो 180 डिग्री का कोण बनाएगी, विपरीत जब भी होगी 180 डिग्री का कोण बनाएगी ना, 180 डिग्री का कोण बनाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि आपको पता करना होगा कि 12 घंटे में कितने बार 180 डिग्री का कोण बनाती है ना। तो हम जानते हैं हम लोग कि आप लोग को क्लास में बता दिए थे कि 12 घंटा में क्या जरूरी बताएंगे, जो भी क्लास यहाँ पर क्लॉक का किए या फिर हम वीडियो अपलोड किए हैं तो वहाँ हम अच्छी तरह से इसका डिस्कस किए हैं कैसे ये कब कब क्या होता है। जैसे देखिए तो एक घंटा में ये एक, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक घंटे में ये दो बार एक दूसरे का विपरीत होता है, कितने बार होता है, दो बार होता है। लेकिन लेकिन आपको देखना होगा कि एक 11 से और किसके बीच में,
पाँच और छः और सात, इसके बीच में एक ही बार 180 डिग्री का कोण बनाती है। कितना बार बनाती है? 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब देखिए तो 180 है ना, देखिए एक घंटे में, सॉरी हम समकोण की बात कर रहे थे, 180 डिग्री। तो एक घंटे में एक बार, दो घंटे में दो बार, तीन घंटे में तीन बार, चार घंटे में चार बार, पांच घंटे में पांच बार, छह घंटे में छह बार, इसलिए 12 घंटे में कितना बार? 12 बार। एक दूसरे, एक घड़ी घंटे वाले, ये घड़ी वाली सुई घंटे वाली और मिनट वाली दोनों कितना बार होगी? कुल मिलाकर के 12 बार होना चाहिए, क्योंकि एक घंटे में ये एक बार विपरीत होती है, इसलिए 12 घंटे में इसको 12 बार होने चाहिए। ये उसके लिए है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिस जो मेरा क्लास अटेंड नहीं किए, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो बोलेंगे सर ये अगर एक घंटे में ये एक बार विपरीत होती है तो कुल मिलाकर के 12 घंटे में 12 बार विपरीत होती है। लेकिन हम आपको क्लास में बताए थे कि घड़ी की सुइयां मिनट वाली और घंटे वाली 5 और 6 बजे के बीच कुल मिलाकर के एक ही बार ये विपरीत होती है, एक ही बार आपको विपरीत दिखेगा। तो टोटल 12 घंटे में कितना बार हो गया? 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितना? 22 बार। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 22 बार हो जाएगा। और समकोण पूछता तभी वही समकोण के बारे में बता रहे थे कि प्रत्येक दो एक घंटे में दो बार समकोण होती है, तो 12 घंटे में कितना? तो आप बोलिएगा 12 × 24 नहीं, 22 बार होती है, लेकिन एक दिन में कितना? तो टोटल मिला करके कितना? 44 बार हो जाएगा। ये सारा बात हम आपको वीडियो में बता चुके हैं, आप समझिए, एक बार वीडियो आप देख सकते। कहता है निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन सही है, मतलब आपको घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम में देखना है कि किस क्रम में दिया और वो कौन सा ऑर्डर इसका सही है। तो देखिए तो घटते हुए क्रम में दिया सर ना, ये आपको देखिए तो सही कौन है, तो 6×5=30 और 7×28, 30 बड़ा है 28 से, बात सही है। 4×16 और ये कितना? 5×15 16 बड़ा है 15 से, ये बात करा सही है, ये भी बात देखते सही है क्या? 7×28 और 6×30 देखिए, तो जो बड़ा चिन्ह होता है, जो बड़ा संख्या होती है उसकी द्रव्य ये मूल रहना चाहिए, ये बड़ा वाला मूल रहना चाहिए, और ये क्या हो गया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन, बड़ा। तो 28 बड़ा है 30 से, नहीं ये बात गलत हो गया, तो सही कौन बात हो गई। अब कहता है कि टेन 60 डिग्री प्लस 3/4, इसका मान क्या होगा? आप जानते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में टेन थीटा होता है लंब बटे कितना? लंब बटे आधार। तो लंब आपका ये, चलिए इसको छोड़िए, हटाइए, यहीं से बना लीजिए टेन 60 डिग्री मान को लिए। तो टेन 60 डिग्री का मान आपको पता है कि 1√3/√3 होता है, कितना होता है? √3। आप प्लस कितना दिया है? 1/3 दिया। जब इसको हल करेंगे कि हो जाएगा 3√3 प्लस कितना? 1/ कितना दिया। तो ये आप समझ गए होंगे, जो साइंस का स्टूडेंट होंगे तो जरूर बनना है जैसे वीडियो। तो छठा हो गया, तो 60 डिग्री का मान रख दिए 1√3 और 1/√3 हल कर दिए। कहता है त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है तो सबसे छोटी कोणों का मान क्या होगा? देखिए से बंद, तो त्रिभुज का अनुपात दे दिया 1:2:3, तीनों कोणों का अनुपात टोटल जोड़िए, तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? 180 डिग्री। तो तीनों कोण को जोड़िए, तीनों कोण का अनुपात कितना देगा? 3 × 3 = 6, तो 6 अनुपात का वैल्यू कितना? 180 डिग्री। आप बोलिएगा सर 180 डिग्री कहाँ से आए? तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री, इसलिए तीनों कोणों का अनुपात दिया है, तो अनुपात जोड़ेंगे तो संख्या के योग के बराबर, तो अनुपात में कितना? 6, लेकिन उसका टोटल कोणों का योग कितना? 180। तो 1:2 का वैल्यू बोल दीजिए कितना जाएगा? 30 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटा कोण कौन है? तो जो सबसे छोटा अनुपात होगा वही आपका क्या होगा? छोटा कोण होगा। तो कोण कितना हो गया? सबसे छोटा 30 डिग्री और सबसे बड़ा पूछता कितना? 90 डिग्री ना, अब बीच वाला पूछता कितना? 60 डिग्री। टोटल जोड़ेंगे तो 30 और 60,
90 और 90 कितना 180, तो सबसे छोटा आपको शायद कितना होगा 30 डिग्री। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। फिर कह रहा है कि सब 16 और 40 और 64 का एलसीएम, देखिए हम आपको एलसीएम निकालने की गजब का ट्रिक बता रहे हैं, आप स्क्रीन को समझिए। जैसे देखिए यहाँ पूछ दिया है 16, 40 और कितना का 64 ना, तो अंक कानून के देखिए तो 16 चौके 64, 16 किसमें है 64 में है कि नहीं, बात क्लियर। तो ये 16 और 64 का एलसीएम निकालते तो हमको 64 ही प्राप्त होता, इसलिए 16 किसमें चला गया 64 में चला गया, बचा कौन संख्या 40 और 64। अब इधर हटाइए तीन संख्या से दो संख्या, अब इसको कटाइए 55 से 40 और 88 64 कटा दिए, और कटेगा अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए, 1 0 और 8 चौके कितना 32। तो ये तीनों का एलसीएम अगर हम निकालें तो एलसीएम कितना देगा 832। आपको एक मिनट में बनाने के लिए सिखाएंगे, बिल्कुल एक मिनट में आप बना दीजिएगा कोई भी क्वेश्चन। देखिए कटाएं तुरंत, इसको कटाएं ये 5 ये 8, ये गुना करेंगे 8 चौके 32 बन गया ना। सारा सवाल हम आपको एक मिनट के अंदर में 30 ये 50 40 50 40 के एवरेज के सवाल देते हैं, आप इतना सेकंड में कोई भी सवाल को सॉल्व कर दें, बशर्ते आपका प्रैक्टिस रहना चाहिए। यदि जिस स्टूडेंट ने पढ़ लिए हैं प्रैक्टिस किए हैं तो उसे 100% हम बोलते हैं कि मेरे टेस्ट सीरीज में जितना भी क्वेश्चन आप लोग को डाल रहे हैं उसके लिए टाइम जो है सफिशियंट है, पर्याप्त। आप इतना टाइम में एक मिनट में सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जिससे नहीं बन रहा उससे हम बार बार बोलेंगे आप लगे रहना, ये नहीं कि आपको छोड़ देना हार मान लेना। अगर आप हार मान गए तो फिर आप हार गए, तो हार नहीं मानना है, अंतिम सांस तक लड़ना है और अंतिम सांस तक में हम लोग को सफलता मिलेगा। सफलता के लिए अंतिम सांस तक दम लगाना है। तो चलिए आप लिख गए होंगे, लिख लिए होंगे। नोट नंबर देखिए कहता है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1800 रुपया का मूलधन, मूलधन का एसआई क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है ठीक, कितना का रेट देखिए तो 9 नंबर में रेट कितना दिया है, रेट दिया है 8%। समय कितना दिया है, समय दे दिया है आपको 3 वर्ष का दे दिया है ठीक, और मूलधन कितना दे दिया है, मूलधन दे दिया आपको 1800। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है क्या एसआई क्या, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज क्या एसआई सिंपल इंटरेस्ट। तो आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ाते पढ़ाते वक्त थक चुके हैं कि पी इंटू आर गुना टी बटे कितना 100 ना, यही होता है पी गुना आर गुना टी बटे 100। लेकिन इस फॉर्मूला को हम लोग नहीं यूज करना, इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा आपका सवाल एक मिनट में नहीं बनेगा। आप अगर फॉर्मूले से बनाइएगा तो आपका सवाल एक मिनट में नहीं बनेगा। तो एक मिनट बनाने के लिए आप मेरे साथ देखिए, मेरे ध्यान दीजिए हम क्या बता रहे हैं आपको, एक मिनट में बनाना। तो एस आई प्रतिशत बराबर आपको एक चीज याद रखना है, आर गुना टी होता है, क्या होता है आर गुना टी परसेंट। एस आई प्रतिशत निकालने के लिए समझ गए, देखिए कुछ 8 + 24 तो एस आई कितना मिल रहा है आपको, कितना परसेंट मिल रहा है 24% मिल रहा है, कितना परसेंट मिल रहा है 24% मिल रहा है टोटल। अगर हम प्रतिशत का बात करें कि हमको साधारण ब्याज कितना परसेंट मिल रहा है तो 24% मिल रहा है, लेकिन आपको परसेंटेज में बात नहीं करना, आपको बात करनी है किसमें, रुपया में। तो रुपया में आपको बात करने के लिए देखिए एस आई का तो आपको एस आई मिल रहा है 24%, लेकिन आपको उठाना है कितना परसेंट 18 में से 24%, तो 24% निकाल लीजिए। तो जो भी आपका गुना होगा वो आपका क्या जाएगा, गुना करके जो भी आप रिजल्ट लाइएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब बोलिए गुना, तो गुना कर दीजिए भाई 18 और 24, 18 चौके 72, 18 दुना 36, 18 चौके 72, 18 दुना 36, ये 2 और ये 4, 7 चौके 13 और 400 कितना, ये हो जाएगा आपका 432 रुपया। एक मिनट में बनेगा, आप प्रैक्टिस किए रहिएगा, फर्स्ट से यहाँ सवाल देखिएगा 8 वर्ष प्रति ब्याज की दर से, तो 8 से 24 1800 पर डायरेक्ट आप 24% निकाल लीजिए,
दो जीरो कैंसिल, 18 को 9 24 डायरेक्ट कर दिया, 18 4 72 और 18 9 36 72 36 दोनों को इस तरह से गुणा करके जोड़ेंगे तो 432 होंगे। ये होगा बाबू 100% होगा, हम बार बार बोलेंगे होगा, लेकिन आप अंतिम दम तक अभी तो आप शुरुआती हैं। और बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, गलत गद्दारी कर लेते हैं, मतलब इधर उधर देख करके बना लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। हम हैं ना, आप मेरे से सीखिए, मिटा दें, सी एस आई समझिए। अब आप एक सी आई का फॉर्मूला कर रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितने धनराशि का इतना रुपया हो जाएगा। आपको मूलधन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। मिश्रधन दिया हुआ, मिश्रधन क्या हुआ, दिया हुआ कितना 29, ठीक। और आर दिया हुआ है 8%, टी दिया हुआ है, टी दिया है कितना 2 ईयर, ठीक 2 ईयर दिया। तो सी आई परसेंटेज बराबर फॉर्मूला बता आपको, देखिए जिस तरह से हम एस आई परसेंटेज निकाले उसी तरह से हम लोग सी आई परसेंटेज निकालेंगे। तो बोलती बताइए सी आई परसेंटेज बराबर हो गया एस आई प्लस आर स्क्वायर, ये कितने वर्ष के लिए, फॉर 2 ईयर के लिए, फॉर 2 ईयर के लिए। 2 साल की यदि हम सी आई प्रतिशत पूछे तो आपको बताना एस आई इंटू एस आई, एस आई परसेंटेज का तो आपको पता है ना, एस आई परसेंटेज क्या होता है, आर गुना टी, एस आई निकाल लीजिएगा और फिर आर स्क्वायर, या फिर आप इसको सी आई को डायरेक्ट बोल सकते हैं, आर गुना टी प्लस आर स्क्वायर, दोनों बात सेम हो गया, एस आई का कोई ठीक नहीं होगा। तो चलिए एस आई अगर हम पूछे तो आर गुना 16, चलिए ये 16 हो गया इसका प्रतिशत, ये 16 हो गया। अब प्लस कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 88 64, कितना हो जाएगा 88 64 64, कितना या। अब फिर आपको एक तरह से ये विधि बता देंगे, ए प्लस बी का फॉर्मूला सी आई निकालने के लिए, सी आई परसेंटेज बराबर ए प्लस बी प्लस माइनस कितना, प्लस माइनस ए गुना बी बटे कितना 100, ठीक। ये आपको क्या आ गया एस आई का सी आई फॉर्मूला, जैसे तो ए का 8 प्लस 8 और फिर प्लस 8 गुना 8 बटे कितना 100, तो 8 8 16 और 88 64, 0.4। वही बात यहाँ पर भी हो गया, तो 88 8 गुना 16 और प्लस इसको पॉइंट बैठाएंगे कितना हो जाएगा 6.4, दोनों को जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे कितना 16.04, 60, इतना परसेंटेज हो गया। अब कह रहा है सी आई आपका निकल गया, सी आई प्रतिशत निकल गया कितना 16.64%, लेकिन आपको ये दिया है मिश्रधन। अब मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अगर मान लिए मेरे पास 100% क्या, मेरे पास 100% मूलधन है और उसमें 100% भी दिया और आपको ब्याज भी रिटर्न करके दिया, मिश्रधन आपका कितना हो गया, मिश्रधन हो गया आपका 116.64%। और ये किसके बराबर दिया है, 29.60 के बराबर दिया है। आपको पूछ रहा है तो 100% क्या मूलधन क्या होगा, 29.60 × 100 आप बटे कितना, इसका परसेंटेज जुड़ाइएगा तो ये चला जाएगा 0, ठीक। अब इसको हल कीजिएगा तो आप हल कर दीजिए, तो आप हल कर दीजिएगा, दूसरे कटाइएगा तो 4 × 8 आप इसको कटाइएगा, कटा करके आपका आंसर निकल जाएगा लगभग कितना 2500 आ जाएगा, आप इसको कटाइएगा आपका आंसर आ जाएगा कितना 25। अब फिर क्या रह गया, आप
कटाने पर डिपेंड करता है, जितना तेजी से आप कटा लीजिएगा उतना तेजी से आपका आंसर आ जाएगा, कटाने में हमको वीडियो बड़ा बन जाएगा, इसलिए हम आप लोग पर छोड़ दिए कि आप लोग जल्दी से कटा लीजिएगा। कटाने तो जानते ही, मेरा काम था सिर्फ ये निकालना और ये इसके बराबर कर लेना, 100% बराबर इतना लिख देना, इसके बाद कटाने उठाने का आपका काम है। इसके बाद ये देखिए 71 में मिटा देते हैं, लिख लीजिए आप लोग, अब कहता है 71 बिल्कुल कितने विषम दिन है, विषम दिन देखिए 7 से भाग देने के बाद, 7 से भाग देने के बाद आपको जितना भी शेष बचता है वही विषम दिन होता है, वही क्या कहलाता है विषम दिन। तो 70 में क्योंकि देखिए आज सोमवार है, आज रविवार है, फिर इसके 7 दिन के बाद क्या जाएगा रविवार, मतलब ये सप्ताह सप्ताह आपका क्या 7 दिन के बाद चेंज होते चला जाएगा, तो हमको क्या करना है 7 से भाग देना है, एक सप्ताह में 7 दिन होता है इसलिए इसको 7 से भाग दे दिए और जो रेस्ट बचेगा वो भी समझे, तो 7 × 70 शेषफल कितना बच गया, शेषफल बच गया आपका रिमाइंडर बच गया आपका 1, यही आपका क्या गया विषम दिन। अगर यहाँ 2 रहता विषम दिन कितना होता 2 होता, यहाँ 3 रहता विषम दिन कितना होता 3 होता, इसलिए यहाँ 1 था यहाँ विषम दिन कितना गया। इसी तरह के हम सवाल डालेंगे, ये सवाल नहीं डालेंगे लेकिन अगले वीडियो में इससे सवाल डालेंगे, हो सकता है कि 83 दे दे 85 दे दे कुछ भी दे दे, इसी कैलेंडर से रिलेटेड देंगे, लेकिन जब आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा तो फिर उसमें जरूर है कि आपका 5 से 10 अंक आएगा, जरूर आएगा 5 से 10 अंक, इसलिए हर बार आपको प्रेस इसलिए कर रहे हैं कि आप निराश मत होइएगा कि मेरा कम नंबर आ रहा है सर हम नहीं टेस्ट दे पाए, हमको मजबूरी है इसलिए आपको बोल रहे हैं कि आप कम नंबर नहीं लाइएगा, इसलिए आप क्या कीजिए मेरे वीडियो को देखिएगा, कम से कम आपको 5 नंबर 10 नंबर मेरे वीडियो से देखने से आएगा तो आपका उल्लास क्या होगा मजबूत होगा, ठीक, इसलिए हमको मजबूरी बस आपको बार बार कहना पड़ रहा है कि मेरे वीडियो भी देख करके यहाँ टाइप भी समझ करके इस तरह से क्वेश्चन समझ करके, अब यहाँ 71 दिए बसरते हैं दूसरे सवाल में हम 85 दे दिए 86 दे दिए कुछ भी दे दिए विषम दिन निकालने के लिए दे दिए, जोड़ करके विषम दिन निकालने के लिए दे दिए, तो आप कॉन्सेप्ट आपका अगर यहाँ क्लियर रहेगा तो आप इस टाइप से जो भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए या फिर कहीं पे आएगा तो आप आराम से बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे इतना गुना इतना का मान क्या करें, तो हम इसको गुना करना, तो गुना तो करने भाई सब जानते हैं लेकिन इसको 1 मिनट के अंदर 50 सेकंड के अंदर इसको गुना कैसे करें, तो चलिए आइए हम आपको सिखा रहे, इसको हम लोग 200 - 1 लिखते हैं और इसको हम 200 + 1 लिख देते हैं, बोलिए कोई दिक्कत, तो 200 में 1 गया तो 199, 200 में 1 जोड़ गया कितना 101। हम आपको समझा रहे इसलिए हमको ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर नहीं समझाते तो ये बन गया रहता, ये इसको गुना करेंगे तो 4 पर 4 0 और ये तो a² - b² 1 का² करें ये कितना जाएगा 3 और 3 को 9 आ जाएगा, कितना देर लगा कोई देर नहीं लगेगा भाई, बस सबसे आपको बनाना है जुड़े रहना है, जहाँ हम हैं वहाँ दम है, बिता रहे हैं अगला क्वेश्चन हो गया 2400 का 40% मतलब इतना अब फिर कितना 12% सॉरी 30% बटे इतना हल कर दो, 2 0 2 0 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 24 × 12 गुना कर दो 12 × 24 = 48 और कितना 24 जोड़ दीजिए ये हो गया 288 आपका क्या आंसर हो गया। ऐसे ऐसे छोटे छोटे आज जो सवाल था ये जो दिए थे ग्रुप डी से दिए थे, किससे दिए थे ग्रुप डी से सवाल था, ये जो आज का टेस्ट था ग्रुप डी से, पहले जितना भी टेस्ट था NTPC से लिए थे, इसलिए आप लोग ग्रुप डी में जो भी टाइप पूछेगा इतना ही सरल पूछेगा, लेकिन आपको वहाँ अधिक से अधिक बड़ा बड़ा सवाल नहीं दे रहा क्योंकि वहाँ पर जो टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन में आपको समय पर्याप्त रहता है, अगर आप वहाँ कोई कलम कागज आपको बाहर से नहीं ले जाने देगा हम रफ करने के लिए मोटा मोटा मोटी मोटी कॉपी लेके जाएंगे और रफ करेंगे, ये बात छोड़ दीजिए
वो कलम भी नहीं ले जाना पड़ेगा, सिर्फ वहाँ आप जाइएगा बैठिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, एक पेज मिलेगा, दो एक पेज से ज़्यादा ज़्यादा एक पेज दो पेज मिले, वहीं पे आपको कैलकुलेशन करना। अब छोटा छोटा सवाल देगा, ट्रिक बुला देगा, जो कि आप कम समय में उस सवाल को बना लीजिए अगर आप में टैलेंट है तो। बना लिया आप। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा कि साइन एक्स बराबर 3/5 है तो टेन एक्स और सेक एक्स का मान। चलिए देखिए, साइन एक्स बराबर दिया है 3/5, तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। साइन थीटा बराबर जानते हैं हम लोग कर्ण बटे कितना होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो यदि ये पहुंच ये तीन तो आप दसवां में पढ़े, इंटर में भी पढ़े, कहीं ऐसा नहीं है कि जो साइंस का स्टूडेंट है वही पढ़ा, आप बचपन से पढ़ते चले हैं, तो कर्ण का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस इसका लंब का स्क्वायर का रूट अंडर करेंगे तो आधार का स्क्वायर कितना निकल जाएगा, 4। बोलिएगा कैसे, तो बी सी बराबर लिखो रूट अंडर ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। आप लोग को बचपन से बताते बताते थक गए, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, कितना होगा रूट अंडर 16 इसका मान कितना, 4। अब देखो, अब इसको आराम से हल कर लो। अब देखो ये कह रहा है 10x, अब प्लस कितना sec x, किस एंगल का बात हो रहा है, इस एंगल का बात हो रहा है, ठीक। अब बोलिएगा सर इस एंगल का बात कैसे हो रहा है, हम लोग जानते हैं कि कौन के सामने वाली भुजा लंब, अगर हम इसको लंब माने तो एंगल मेरा यही होना होगा, तभी हम इसको लंब माने, और ये कर्ण हमेशा फिक्स होता है, अगर हम कर्ण इसको लंब कौन इस मान को इसको एक्स मानते हैं तो हमको लंब इस चीज को लेना पड़ता है, फिर हमको आधार इसको लेना पड़ता, तो tan थीटा लंब बटे आधार, तो बोलो कितना हो गया 3/4 हो गया, और sec थीटा क्या आता है cosec का उल्टा होता है cos का, तो ये हो गया कितना कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना हो गया 5 और आधार कितना हो गया 4, एलसीएम ले लो 4 दोनों को जोड़ दो 8 नहीं जुटेगा 3 5 कितना 8 कटा देगा कितना देगा 2, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया 2, आपका ऑप्शन में 2 होगा जरूर होगा, आप उसको देख लीजिए। चलो लास्ट सवाल, आप लोग को इजी बहुत इजी वे में बता रहे हैं, आप लोग आराम से देखेंगे, कम से कम ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं, और अगले इस सवाल को प्रैक्टिस करना, एक बार दो बार तीन बार चार बार बनाना, और जब मेरा क्लास ओपन होगा ऑफलाइन पढ़ाएंगे तो जिनको भी प्रॉब्लम है जिनको भी पढ़ना होगा तो आ करके क्लास में मिल सकते हैं पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन चल रही है तो लॉकडाउन में सारे क्लास अभी ऑफ कर दिए हैं, ठीक, तो आप ऑफलाइन की सुविधा अभी बंद है, तो जहाँ तक हो सकता है मैं आप लोग के लिए ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध कराए हैं, ठीक, तो आप लोग ऑनलाइन का मजा लें, कुछ दिन में लाइव भी आएंगे, तो लाइव आएंगे तो फिर आप लोग भी लाइव आकर के क्लास का मजा ले सकते हैं। लास्ट सवाल देखो, तो लास्ट सवाल हो गया पी गुना 6/7 और कितना क्यू गुना 4/5, एक मिनट में बनाना है, पलट दो बाबू पलट दो, क्यू को इधर ला दो और पी क्यू को इधर ला दो, आप पी का जो गुना उधर भेज दो 4/5, इसको पलटेगा कितना देगा 7/6, कटा ये हो गया 3 ये हो गया 2 ये कितना 14/ कितना 5 दिया 15, तो पी और क्यू का अनुपात कुछ रहा है ना, तो ऊपर वाला ऊपर के लिए नीचे वाला नीचे के लिए, तो 14 अनुपात कितना 15, एक मिनट में बनेगा, ठीक, तो आप लोग अगले टेस्ट सीरीज का इंतजार करें, अगले टेस्ट सीरीज होगा और उसमें इस वीडियो से जितना भी इस वीडियो में बताएं इस वीडियो से रिलेटेड आपको 5 सवाल देंगे अगले टेस्ट सीरीज में, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और हर बात को समझेंगे, जीरो कैसे निकाल लेते हैं, इकाई अंक कैसे निकाल लेते हैं, कल आज फैक्टोरियल 100 पूछती है, कल 200 पूछ देंगे 400 पूछ देंगे, लेकिन इकाई अंक कभी बदलेगा नहीं, जीरो की संख्या बदलेगा, और जीरो की संख्या आपको निकालने के लिए बता चुके हैं, विषम का अगर इकाई अंक पूछेंगे कैसे निकलेगा, इसलिए आप लोग अंतिम दम तक सफलता के लिए प्रयास करना, सफलता जो अंतिम दम तक लगे रहता है सफलता मिलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो सत्य
आप लोग पढ़ें अच्छी तरह से, मन लगा करके अपना ही सेट बनाएं, एक दूसरे से मिलजुल करके नहीं बनाना है, उसमें आपको घटा है और आप कभी कुछ सीख नहीं पाइएगा, लगेगा कि हम इतना नंबर ला रहे हैं लेकिन फालतू का वो नंबर उठा रहे हैं आप, ठीक। इसलिए आज के लिए इतना ही, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, प्लस में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कल रक्षाबंधन है और आप लोग अच्छी तरह से राखी पहने और अपने बहन अपने दीदी सबसे आशीर्वाद लें और छोटे को आशीर्वाद दें। आज के लिए इतना, थैंक यू, बाय।